बंधन नहीं है, परिवार मुक्ति का उपाय है। अगर आदर्श परिवार हो तो एक दिन हम अपनी पूरी जिम्मेदारियों को खत्म करके पूरा करके और धीरे से उससे बाहर निकल सकते हैं और अत्यंत संतुष्ट होकर के बाहर निकल सकते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति नहीं, असंतुष्ट व्यक्ति तो जंगल में जाकर के भी वहां पर भी असंतुष्ट ही रहाएगा। जिसने संतोष पूर्वक और शांति पूर्वक सुख पूर्वक अपने परिवार के दायित्व को पूरा किया है वह आसानी से निकल करके अपना कल्याण कर सकता। मुक्ति का भी द्वार है ये। पांच तीर्थंकरों को छोड़ करके देखें अगर तो सारे तीर्थंकरों ने विवाह किया था। विवाह कोई बंधन नहीं है, वो उनके मुक्ति के लिए द्वार बन सकता है यदि हम चाहें तो। और फिर कह रहे हैं कि कहना और सुनना, अगर दो बातें कहने का मन होता है तो चार सुनने का भी रखो। हाँ नहीं, हम कहें कहें, कोई हमसे कुछ ना कहे, ऐसे नहीं चलेगा भाई। अगर आप कुछ कहना की सामर्थ्य रखते हो तो सुनने की भी सामर्थ्य रखो। दो, मैं तो ये कहता हूं कि दो बातें कहने का मन है तो चार सुनने की पहले से सामर्थ्य अपने भीतर रखो। और ये ध्यान रखो कि कहना सुनना कब। मास्टर जी घर लौटे और जीवन साथी ने उनके आते ही साथ कहा कि वो रखा है वहां थैला, उठाओ और सब्जी ले आओ, है नहीं। अब बताइएगा, अब अगर मास्टर जी दो बातें कहते हैं तो क्या गलत है? गुस्से में आकर के दो बातें कहेंगे, और अगर वही बात जो आपने थैला उठा के बाजार से सामान लाने की दो मिनट बाद कही होती और उसके पहले यह कह दिया होता कि अरे आ गए, बहुत थक गए होगे, हाथ पैर धो लो, थोड़ा पानी पी लो, और पानी पी के जैसे ही बैठते हम चाय बना लाएं, देखो अभी जाना मत, सब्जी लेने तो जाना है लेकिन अभी जाना मत, चाय पी के जाना भाई, ले हो गई बात। अब इतनी छोटी सी चीज, लेकिन आना तो चाहिए ना मन में, वैसा भाव हो तब ना आएंगे शब्दों में। शब्द तो कोई ऐसे तो है नहीं कि कहीं से बिल्कुल सीखे पड़े शब्द हो, अगर सीखे पड़े शब्द भी दोहरा दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, भीतर की भावना है सब समझता है आदमी। लेकिन भीतर भावना हो तो शब्द अपने आप सारी चीजों को। तो कहने सुनने की विद्या छोटी विद्या नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और घर में ये घर को सुंदर बनाने की एक प्रक्रिया में बहुत बड़ा हाथ रखने वाली चीज है। और आखिरी बात जो मुझे कहनी है, बस मेरे ख्याल से समय भी देखने में आ ही गया क्योंकि आखिरी बात है, मधुरता कैसे कायम रहे अभाव में भी और सद्भाव में भी। घर में दोनों स्थितियां होती हैं, कभी चीजों का सद्भाव होता है, कभी चीजों का अभाव होता है, कभी लाइफ बड़े स्मूथली चलती है, कभी धक्के और हिचकोले खाते हुए चलती है, सब तरह की स्थितियां आती हैं। ऐसे लगती है कि अब तो नहीं खिंचेगी, अब तो टूट जाएगी। ऐसी स्थिति में भी और मधुरता बनी रहे, ये बहुत बड़ी कुंजी है। और इसका एक उदाहरण है, बस इतनी ही बात मुझे जी परिवार के बारे में कहनी। पंजाब में देश का विभाजन होने के बाद एक परिवार आकर के रुका है, जीवन साथी दोनों हैं एक दूसरे के, और बच्चे हैं नहीं, पर दोनों अपना सब कुछ छोड़ करके यहां आकर बसने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अवस्था भी बहुत हो गई है, 60-65 साल की उम्र है। उस परिवार के पुरुष ने सामने की जो पुलिया है उसके ऊपर 2-4 पपीते रख करके अपनी दुकान शुरू कर दी है। आजीविका के लिए कुछ तो चाहिए, पेट में डालने के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार।